जय हिंद साथियों, सेना में भर्ती होने का जुनून क्या होता है वो इन दिनों युवाओं में बहुत अच्छे से देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बार युवाओं में सेना में जाने के जुनून के साथ सरकारों को लेकर बहुत गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2 साल से अधिक समय से देश में सेना भर्ती रैलियों पर रोक है। वहीं 1 साल से अधिक समय से सेना भर्ती एग्जाम भी नहीं कराया जा रहा है, जिससे युवाओं में गुस्सा है, नाराजगी है। और अब इन युवाओं ने मिलकर 5 अप्रैल से दिल्ली में जंतर मंतर पर हल्ला बोल करने का भी ऐलान कर दिया है। जैसे ही दिल्ली में धरना प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया व मीडिया के माध्यम से देश भर के युवाओं को इसकी जानकारी मिली कि दिल्ली में युवाओं की मांगों को लेकर 5 अप्रैल से धरना प्रदर्शन शुरू होने जा रहा है, तो हर कोई युवा, चाहे उनके यहाँ से दिल्ली 500 किलोमीटर हो या 1000 किलोमीटर हो, वो युवा दिल्ली के लिए निकल पड़े हैं। युवा देशभक्ति की झांकी दिखाते हुए दिल्ली पहुंच रहे हैं। इधर देश के अलग अलग राज्यों में संचालित डिफेंस एकेडमी संचालकों ने भी अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यह अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। उनके साथ सैकड़ों युवा दिल्ली पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी तक भी यह साफ नहीं हो पाया है कि इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा, युवाओं का मार्गदर्शन कौन करेगा। क्योंकि अगर बड़ी संख्या में युवा दिल्ली पहुंचे तो उस आंदोलन को सफल बनाने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल की जरूरत तो पड़ेगी ही। आंदोलन को लेकर समय अनुसार जो भी रणनीति बनानी होगी उसके लिए कुछ लोगों का ग्रुप तो बनाना ही पड़ेगा, जो इन युवाओं की बातों को, इनकी मांगों को अधिकारी या सरकार के प्रतिनिधि के सामने रख सकेगा। ऐसा एक प्रतिनिधि मंडल तो बनाना ही पड़ेगा। देखिए साथियों, जहां तक हमें इसको लेकर जानकारी मिली है तो वो ये है कि कोई भी अकेडमी संचालक आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए इसलिए आगे नहीं आ रहे हैं क्योंकि अगर किसी ने वहां पर कुछ भी हुड़दंगबाजी कर दी तो उसके लिए वो ही जिम्मेदार होगा, और अगर आंदोलन बड़ा होता है तो ऐसी संभावनाएं कई बार बढ़ जाती हैं। देखिए, भले ही युवा ऐसा कोई गलत काम ना करें, लेकिन कोई बाहरी व्यक्ति भी आंदोलन में शामिल होकर ऐसी कोई हरकत कर सकता है। इसलिए इन तमाम बातों को देखते हुए कोई एक व्यक्ति इस आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर सकता। देखिए, आंदोलन में अधिकतर लड़के किसी न किसी अकेडमी से ही आएंगे, इसलिए सभी अकेडमी संचालक मिलकर इस आंदोलन को सफल बना सकते हैं। और देखिए, युवा इस बात का भी ध्यान रखें कि आज आपकी परेशानी में कौन कौन अकेडमी संचालक आपके साथ खड़े हैं, कौन कौन आपके साथ है, क्योंकि हमें युवाओं ने कुछ लोगों के नाम से मैसेज भेजे हैं कि वो इस आंदोलन में शामिल नहीं हो रहे हैं। उन्हें तो सिर्फ अपने नए बैच स्टार्ट करने से मतलब है, उन्हें युवाओं की पीड़ा से कोई मतलब नहीं है। और आखिर में आप सभी युवाओं से एक बार फिर डी न्यूज़ की विशेष अपील है कि देखिए भाइयों, आप शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांगों को रखें, किसी तरह का हुड़दंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ यह सब करने नहीं पहुँचे हैं, बल्कि आप तो सेना की वर्दी पाने के अपने सपने को पूरा करने के लिए सेना भर्ती रैली और एग्जाम कराने की मांग को लेकर यहाँ पहुँचे हैं। इसलिए आप सभी भाई शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांगों को सरकार के सामने रखें, ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि कानून का उल्लंघन होता हो। आपको जो भी काम करना है कानून के दायरे में रहकर ही करना है। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।